किन्हीं कारणों से 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर रैली स्थगित करने के बाद 17 नवंबर शनिवार को एनसीसी, एनएसएस और स्वास्थ्य विभाग द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय के गोविंद बल्लभ पंत पार्क परिसर से मधुमेह जागरूकता रैली को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली निकालने से पहले मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मधुमेह के बारे में एनएसएस, एनसीसी के समस्त छात्र छात्राओं को विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि मधुमेह एक ऐसी बीमारी होती है जो आमतौर पर 40 वर्ष की आयु के बाद ही होता है। व्यक्ति अगर खान पान पर नियंत्रण करे तो वह इस बीमारी से बच सकता है। मधुमेह जागरूकता के लिए एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के तिवारी, एनसीसी कमांडेंट सीओ कर्नल डॉक्टर ओपीजी राव, अजय सिंह, डॉक्टर शकील आजम, अलका शुक्ला, नवनीत कुमार, डॉक्टर अमित शाही, रमेश त्रिपाठी सहित एनसीसी और एनएसएस के समस्त छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए छात्राओं, एनसीसी कमांडर एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के तिवारी ने कहा। इससे कैसे बचे? शायद आपको अभी मैं सुन रहा था, ये नहीं बताया गया कि अगर डायबिटीज जिसको हो गई, अभी उसको पता नहीं है, तो उसको क्या क्या दिक्कत होने लगेगी जिससे कि वो शंका करना शुरू कर दे या डॉक्टर के पास जाना शुरू कर दे कि भाई मुझे ये डायबिटीज वाली, ये मधुमेह वाली बीमारी तो नहीं है। उसमें चार पांच चीजें होती हैं। एक तो बहुत थकान लगना। एक बार आप लोगों को, हमारे कैडेट्स के लिए मैं बता दूं कि आप जिस एज ग्रुप में हैं, इस एज ग्रुप में डायबिटीज बहुत कम होती है। प्लस 35 के ऊपर, 40 की उम्र के बाद ही डायबिटीज के मरीज ज्यादा मिलते हैं। आप बहुत परेशान ना हो कि आपको थकान लग गई, क्योंकि जब आपको खूब पीटी परेड कराया गया तो आप थक जाएंगे, वो नॉर्मल बात है। दौड़ लगाएंगे थक जाएंगे, वो नॉर्मल बात। हमारे जैसा व्यक्ति जो सामान्य ऑफिस का काम कर रहा है, अगर दो दिन ज्यादा भाग दौड़, माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आगे ज्यादा भाग दौड़ कर ली और थकान महसूस हो रही है, जबकि मैंने अपनी डाइट्स ली हैं नॉर्मली, तो हमें शंका करने की जरूरत है कि खाने के बावजूद भी मुझे थकान क्यों लग रही, अन्य कोई बीमारी नहीं है। दूसरा, बहुत ज्यादा भूख लगती है, बार बार खाने का मन होता है, भूखी लगी रहती, बार बार पेशाब जाने का मन होता है, यूरिन बार बार लगती है, और पानी भी खूब पीने का मन होता है। ये कार्डिनल साइन कहलाते हैं, निश्चित सिम्टम्स हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं हर सिम्टम हर व्यक्ति में हो ही। पता लगा 24 घंटे में 6 बार ही पेशाब जाता है, और एक व्यक्ति 24 घंटे में 4 बार जाता है, फिर भी वो डायबिटिक हो सकता है, नहीं भी हो सकता।
नाम ज्योति सिंह है। सर ये मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों के लिए है, जो मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको जागरूक करने के लिए हम ये अभियान निकाले हैं। क्या सर जानकारी सर, हम मतलब एक जागरूक रैली निकालेंगे जिससे लोगों में जागरूकता फैलेगी कि मधुमेह से कैसे बचे, मधुमेह मतलब क्या, कैसे खाएं, कैसे रहें कि मधुमेह हमें ना हो। सुकांति मिश्रा फ्रॉम डीडीओ। सर ये मधुमेह के बारे में हम सबको बताया गया एनसीसी कैडेट्स के थ्रू, तो यहाँ पे उसका सिग्नेचर ले रहा है मोटिवेशन के लिए। क्या इसमें मैसेज आएगा? जो भी मधुमेह से पीड़ित लोग हैं वो अगर पहले से टाइम से इसके बारे में हमें जानकारियाँ दी जाती हैं कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि मधुमेह बीमारी हो रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा, और हमें जानकारी होगी तो हम पहले से उसके इलाज करवा लेंगे, तो हम उस बीमारी से ग्रसित होने से बच जाएंगे। आज रैली जो कि ग्लोबल डायबिटीज़ डे के बारे में मनाई जा रही है, जो कि पहले 14 नवंबर को मनाई जानी थी लेकिन किसी कारणवश से 17 नवंबर को की गई है, जिसके बीच में हमारे ग्रुप गोरखपुर हेडक्वार्टर एनसीसी ग्रुप गोरखपुर के जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो उनके ऊपर सीएमओ साहब एक लेक्चर दे करके अवेयर कर रहे हैं उनको, तो इसके लिए बहुत बहुत सीएमओ साहब का धन्यवाद जिन्होंने हमारे एनसीसी के कैडेट्स को अवेयर किया। ये डायबिटीज की जागरूकता के लिए, मधुमेह की जागरूकता के लिए ये रैली आज निकाली जा रही है। जैसे कि 14 विश्व डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है, किसी कारण से हम इसको आज 17 को मना रहे हैं, 14 को हमने गोष्ठियाँ वगैरह की थी, आज ये रैली निकाल के जनता को इस बात के लिए जागरूक कर रहे हैं कि डायबिटीज कोई बहुत ऐसी बीमारी नहीं है जो बहुत गंभीर हो, और कैसे हम इससे बचें, कैसे हम ये जाने कि ये बीमारी हमारे अंदर आ रही कि नहीं आ रही, और कब हमें इलाज की जरूरत होती है, कब हमें खाली खान पान और एक्सरसाइज से हम कंट्रोल रख सकते हैं। ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, बच्चों को ये भी बताया गया कि ये बीमारी अपने से ही होती है, और इसमें व्यक्ति को हो ही गया है तो अगर डाइट और उससे कंट्रोल हो जाता है एक्सरसाइज से तो अच्छी बात है, अदरवाइज बहुत थोड़ी सी दवा से कंट्रोल रहता है और एक लंबे समय तक वो स्वस्थ जीवन जी सकता है। तो इसके इतना जितना भी जागरूकता फैले उतनी ही अच्छी बात है कि हम क्या करें, क्या खाएं, क्या ना खाएं, या खाएं तो कितनी मात्रा में खाएं, और हम लोग जो ऑफिस वर्कर्स हैं जिन्हें एक्सरसाइज या पैदल चलने का काम कम होता है उन्हें एक्सरसाइज अवश्य करनी चाहिए। तो डायबिटीज़ ये चैलेंजिंग डिजीज होती जा रही है, बताया जा रहा है कि विश्व में हर 5 व्यक्ति में एक व्यक्ति डायबिटिक हो रहा है, तो ये हमारी जीवन शैली जो आरामदायक जीवन शैली हो गई है उसी का परिणाम हो रहा है, और जो जेनेटिक होता था कि फादर मदर को है तो बच्चे को होगा वो 50% से भी कम होता था, कि अगर 50 लोगों के लिए 50 लोगों का सैंपल लें तो उसमें 25 लोग ही ऐसे पाए जाते थे कि जिनके मदर फादर और इनको था, लेकिन अब वो संख्या और भी कम हो गई है, अब नए डायबिटिक्स निकल रहे हैं, इसलिए जागरूकता जन जागरूकता करना अति आवश्यक है।